दोस्तों नमस्कार। आज से लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर जब जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई तो उन्हीं में से एक सर्वाधिक शक्तिमान और ऊर्जावान मनुष्य ने जन्म लिया। अब मनुष्य ने जन्म लिया तो वह अपने भोजन की प्राप्ति हेतु एक भ्रमणकारी जीवन व्यतीत करने लगा। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने जाने लगा ताकि उन्हें खाने के लिए कुछ मिल जाए। और लोग उस जमाने में एक समूह के रूप में रहते थे ताकि वह जंगली जानवरों से अपना बचाव कर सके और उनका साथ भी रहे। तो सबसे पहली जो तकनीक थी, मनुष्य ने अपने आप को विकसित करने के लिए पत्थर से हथियार बनाने की अपनाई। अब जब पत्थर से हथियार बनाने की आई तो इतिहास में हमको इसके बारे में पढ़ाया जाता है पाषाण युग के नाम से। तो सबसे पहले था पूरा पाषाण युग। आज से लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व ये जो युग था, ये था पूरा पाषाण युग। मतलब आज से 12,000 वर्ष पहले तक का जो युग था वो था पूरा पाषाण युग। जंगली युग में मनुष्य पहाड़ों के नज़दीक रहते थे जहाँ की नदियाँ बहती थी। नदियों के द्वारा उन्हें पीने का पानी मिलता था तथा शिकार भी मिलता था, जो कि वहाँ पर अपनी प्यास बुझाने आते थे। जंगली जानवर वहाँ की वजह से उन्हें रहने के लिए गुफा मिल जाती थी। इस प्रकार उनको अपने खाने पीने व रहने का स्थान मिल जाता था। अपने शरीर को ठंड और गर्मी से बचाने के लिए पेड़ की खाल और जानवरों की खाल को धूप में सुखाकर मनुष्य पहना करते थे। आपको यह जानकर भी बड़ा आश्चर्य होगा कि वातावरण हमारे जीवन में कितना अहम भूमिका निभाता है। कुछ स्थान जैसे कि अंडमान में निकोबार जैसे इलाके में आज भी मनुष्य भ्रमणकारी रूप में ही रहते हैं। आदि मानव जिन गुफाओं में रहते थे उनकी दीवारों पर उनके शिकार करने के चित्र बने हुए थे। जानवरों का शिकार खास तौर से बड़े जानवर जैसे कि जंगली भैंस तथा बारहसिंगा, अब भी भीम बेटिका की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं। मतलब यह हो सकता है कि इस तरीके के चित्रों को दर्शाने से वे अपने बच्चों की शिकार करने में मदद करते थे। यह भी कहा जा सकता है कि शायद यह अपने रहने वाली गुफाओं की दीवार को अच्छा बनाने में भी लगे हों। पूर्व इंसानों ने ऐसी परंपराएं शुरू की कि वो उनकी भावनात्मक भावनाओं से संबंधित थे। वो अपने पूर्वजों की पूजा करते थे और उनकी मौत के बाद उनको दफनाते थे उनके औजारों तथा भोजन पानी के साथ, ताकि वे अगले जन्म में आराम से रह सकें। उनको बिजली और बादलों की गरज से डर लगता था। उस युग के मनुष्य को प्रकृति के द्वारा ही ईश्वर के अस्तित्व का भी एहसास हुआ। तो इस तरह से ये था हमारा पूरा पाषाण युग। अब इसके बाद आता है मध्य पाषाण युग, 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक, 12,000 साल पहले से 10,000 पहले तक का जो समय था, यानी 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक, ये था मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग में आग की खोज हुई। यह मुमकिन है कि जब हम दो पत्थरों को आपस में टकराते हैं तो उसमें चिंगारी निकलती है। जब उस जमाने के मनुष्य ने दो पत्थरों को किस तरह से आपस में टकराया तो उनको अग्नि का एहसास हुआ और उन्हीं के जरिए उन्होंने पत्तों में आग लगाना शुरू कर दिया। इस साग से उस समय उन्हें हैरानी या डर जरूर लगा, लेकिन बुद्धिजीवियों ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया। उन्होंने पाया कि जानवर आग से डरते हैं और अपनी गुफाओं के सामने उसको जलाकर रख दिया करते थे। तो इस तरह से जंगली जानवरों से इस युग के मनुष्य अपना बचाव करते थे। वही रात को रोशनी भी कर लिया करते थे। खाने का स्वाद भी अच्छा हो गया जब वह आग पर खाना बनाते थे। उन्होंने यह भी पाया कि सर्दी में यह गर्मी भी देती है। आज के युग में भी सर्दी में लोग आग के चारों तरफ बैठ कर उसका आनंद उठाते हैं। अब इसके बाद आता है नव पाषाण युग। आज से
8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक, यानी आज से 6000 साल पहले से और 10000 पहले तक का जो समय था वो था नवपाषाण युग। शुरू शुरू में मनुष्य केवल शिकार तथा खाना इकट्ठा करते थे। हजारों वर्ष लग गए, वे वजह इन सब के बाहर खाना पैदा करने वाले बने। यही वह युग था जब मनुष्य अपने आप खुद उगाने लगे और खाने के लिए दर दर नहीं घूमना पड़ता था। शायद जैसे आग की खोज हुई उसी प्रकार हो सकता है कुछ बीज जमीन पर गिर गए होंगे तथा उनमें अंकुर फूट कर कोई पौधा निकाल आया होगा। यही पौधे खाने के साधन बन गए। मनुष्य ने इसी तरह बीज बोकर खेती करना शुरू कर दिया। अब उसको जो बीज उन्होंने बोए थे उसकी देखभाल शुरू कर दी, क्योंकि कम से कम बीज बोने के बाद फसल के लिए 6 महीने का इंतजार करना पड़ता था। यह खेती बाड़ी की शुरुआत थी, इसके लिए अब लोगों को दर दर ना घूमकर एक जगह रुकने की जरूरत पड़ी, जिसकी वजह से मनुष्य के जीवन में कई फेर बदल और उसके बाद उन्होंने झुग्गियां बनानी शुरू कर दी, उसमें रहना शुरू कर दिया। तो इस तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य ने पत्थर की तकनीक से लेकर अग्नि प्राप्त करने की तकनीक प्राप्त कर ली और उसके बाद फिर उन्होंने अपना रहने के लिए झुग्गियां बनाना शुरू कर दिया। कुछ लोग उस जमाने में पेड़ पर मचान बनाकर भी रहते थे। तो इस तरह से ये 3 युग के बारे में बताया है। जो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।